पिछले 2-3 दिन से जो खबर सोशल मीडिया पर और मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही थी और सनसनी की तरह फैल रही थी, वो है हार्दिक पांड्या का मुंबई इंडियंस जाना तय है। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस, आप ये कह सकते हैं एक तरह से चले गए, क्योंकि उन्होंने अपनी साउंड ऑफ किया था फ्रेंचाइजी को, गुजरात टाइटंस को, कई महीने पहले। और गुजरात ने शुरू में कोशिश की हार्दिक को रोक के रखने की, बाद में उन्होंने रियलाइज किया नहीं यार, इन्हें रोक नहीं सकते। अब दूसरी बात यह थी कि जब ट्रेड ऑफ की बात आई तो गुजरात ने भी मुंबई से हार्दिक की एवज में बड़े प्लेयर्स मांगे, जो मुंबई ने मना कर दिए। मुंबई ने कहा हम किसी खिलाड़ी को, बड़े खिलाड़ी को ट्रेड ऑफ नहीं करेंगे, हम किसी को रिलीज नहीं करेंगे। सो विच मीन्स कि आपके पास जो मुंबई के पास ऑप्शन थी, जो उन्होंने एक्सरसाइज की है, वो है हार्दिक को ऑल कैश डील में बाय आउट करने का। यानी कि जो 15 करोड़ रुपए उनकी फ्रेंचाइजी फी थी, वो मुंबई इंडियंस देगा अपने पर्स से गुजरात टाइटंस को। यानी कि गुजरात टाइटंस का जो पर्स है उसमें 15 करोड़ रुपए आ जाएंगे, वो ऑक्शन में या ऑक्शन के बाहर से खिलाड़ी ले सकते हैं। अब मुंबई के लिए एक थोड़ा सा टेक्निकल हिच ये है एज ऑफ नाउ कि उनके पास पर्स में ज्यादा पैसे नहीं, उनको तकरीबन 9.5 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या के ट्रेड ऑफ के लिए निकालने हैं, और ऑब्वियसली उनको 2 या 3 बड़े खिलाड़ियों को रिलीज करना होगा, जहां पे वो कम से कम 9-10 करोड़ रुपए तो हार्दिक पांड्या के लिए निकालते हैं। और उनको ऑक्शन में भी जाना है, ये ना भूलें कि उनको ऑक्शन में भी जाना, ऑक्शन में भी वो कुछ पैसा लेकर जाएंगे। तो मुंबई फिलहाल के सामने ये दिक्कत है कि ये पैसे कहां से निकालें, यानी कि किन किन खिलाड़ियों को रिलीज करें, वो आई थिंक उनके लिए छोटी प्रॉब्लम है। लेकिन जो बड़ी दिक्कत मुंबई इंडियंस के सामने आ रही है वो है रोहित शर्मा। अब देखिए, जब आप हार्दिक पांड्या की बात कर लेते हैं तो उसमें 3 स्टेक होल्डर्स दिखते हैं आपको सीधा सीधा। एक है गुजरात टाइटंस जो हार्दिक को रिलीज करेगा, एक है मुंबई इंडियंस जो हार्दिक को लेगा, और एक हार्दिक पांड्या खुद। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चौथे स्टेक होल्डर है रोहित शर्मा, उनका मत क्या है। थोड़ा पीछे जाए, आप इसी आईपीएल में देखें, जब हार्दिक ने वो बयान दिया था, उन्होंने कंपेयर किया था चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के एथोस को, और उन्होंने कहा था कि मैं अपनी टीम चेन्नई की तरह बनाना चाहता हूं, क्योंकि मुंबई में तो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स आते हैं और उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं है जीतना। जिस पर रोहित शर्मा ने जाके एक और इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि ऐसा है, मुंबई इंडियंस में जो आज बड़े खिलाड़ी हैं, वो कल शुरुआत भी मुंबई में उन्होंने की थी, उन्होंने हार्दिक का भी नाम लिया, उन्होंने कहा जी हम प्लेयर बनाते हैं और बनाते बनाते बड़े करते हैं। और वहां पर तो उस वक्त ये देखा गया था कि शायद जो मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी है वो भी हार्दिक से बहुत ज्यादा खुश नहीं होगी, क्योंकि इतना बड़ा बयान उन्होंने शुरू में हार्दिक को खिलाया और रोहित सर्टनली वॉजंट हैप्पी। लेकिन अब वो फ्रेंचाइजी हार्दिक को वापस लेकर आ रही है। हार्दिक, आपको याद होगा जब 2-3 साल पहले जब रिटेंशन की बात आई थी, उन्होंने मुंबई को यह कहा था कि आप मुझे कप्तान बना दें, रोहित शर्मा तब कप्तान थे, उन्होंने कहा था मैं एक सूरत में रुक सकता हूं अगर आप मुझे मुंबई का कप्तान बना दें। फ्रेंचाइजी ने उनको रिलीज कर दिया, देन ही वेंट टू गुजरात, वहां पे कप्तानी की, उन्होंने एक आईपीएल जिताया, एक फाइनल लेकर गए, उनकी कप्तानी की इतनी तारीफ हुई फ्रेंचाइजी की क्रिकेट से देख के कि उनको इंडिया की कप्तानी दे दी गई। ठीक है, आज वो इंडिया की T20 कप्तान है, क्योंकि गुजरात ने उनको जब दिखाया कप्तान के तौर पर और जिताया उन्होंने अपनी टीम को आगे हार्दिक ने, तो ये हुआ कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी है। कट टू नाउ, हार्दिक अगर वापस जा रहे हैं तो वो कप्तान के तौर पे जा रहे होंगे, कप्तानी से नीचे तो नहीं कहेंगे ना। ज्यादा से ज्यादा वो ये कह सकते हैं चलो रोहित भाई जो है एक सीजन कप्तानी कर लें और फिर अगले सीजन से मैं कप्तान हूं, ये भी एक डील हो सकती है। लेकिन फिलहाल अगर हार्दिक पांड्या ने ही कप्तानी करनी है और उसी कंडीशन पर वो गए हैं, तो फिर रोहित शर्मा का क्या होगा। हम ये ना भूलें कि रोहित शर्मा भारत के वर्ल्ड कप कप्तान थे, एक हफ्ता पहले वर्ल्ड कप का फाइनल था और रोहित शर्मा की तो बातें हो रही थी कि कपिल देव, धोनी और फिर रोहित शर्मा का पोस्टर होगा। तो अचानक से एक हफ्ते में क्या ऐसा हो सकता है कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी जिसे उन्होंने अपनी कप्तानी में 5 टाइटल्स दिलाए हों, वो फ्रेंचाइजी रोहित को कप्तान से हटा दे। क्या ये जो ट्रेड ऑफ हुआ है, या जो बायआउट हुआ है, हार्दिक मुंबई आए हैं, वॉज रोहित वेरी कीन ऑन दैट। तो फिलहाल हालांकि आप जानते हैं कि 26 तारीख 4 बजे तक का वक्त होता है और वहां पर जाकर आप आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली बता देते हैं कि जी ये हो गया, ये इट इज डन। ये कि इसकी अनाउंसमेंट अभी ना गुजरात ने की है, ना मुंबई ने की है, ना BCCI ने की है, लेकिन वो अनाउंसमेंट हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। अब दिक्कत ये है कि गुजरात को एक नया कप्तान बनाना पड़ेगा, शुभमन गिल को उन्होंने तैयार कर लिया है, शुभमन गिल उनके कप्तान है आने वाले सीजन के लिए, और उनको फिर बड़े खिलाड़ी भी चाहिए होंगे।
अब उनका पर्स में अगर 15 करोड़ रुपए आ जाते हैं प्लस द ट्रांसफर फीस, हालांकि ट्रांसफर फीस जो है आई थिंक वो आपके पर्स में नहीं ऐड होती, ट्रांसफर फीस गोज टू द फ्रेंचाइजी। ट्रांसफर फीस का मतलब है कि हार्दिक को अगर मुंबई ने गुजरात से लिया तो एक तो उनकी जो कीमत थी, उनकी जो बेस प्राइस थी 15 करोड़, जो सीधा अपने पर्स से उनके पर्स में डालेंगे ऑक्शंस के लिए, एक होता है कि ट्रांसफर फी, वो वन टाइम जो दोनों फ्रेंचाइजीज आपस में बैठते हैं, वो एक रुपया हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो या जो भी हो, वो फ्रेंचाइजी फी जाती है। और उसके बाद गुजरात के हाथ में है कि क्या वो उसमें से कुछ पोर्शन हार्दिक को देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, फिलहाल गुजरात को यह है कि उनको कप्तान बनाना था, वो शुभमन गिल को बना देंगे। गुजरात के पास पैसे आएंगे जब 15 करोड़ कम से कम, ये प्लस उनके पास जो पर्स है। अब उनको एक दो बड़े प्लेयर्स तो लेने ही पड़ेंगे, स्पेशली उनको ऑलराउंडर्स लेने पड़ेंगे, फिर वो देखेंगे ऑक्शन पूल में कौन आता है, किस तरह से आता है, किसको लिया जा सकता है। तो गुजरात का तो यहां पे हो गया। हाँ, दे विल लूज आउट ऑन अ कैप्टन जिसने उनको आईपीएल जिताया, एक बार आईपीएल फाइनल लेकर गए, आसान नहीं होगा। लेकिन अब मुंबई इंडियंस पे है सारा माइक्रोस्कोप कि हार्दिक कप्तान बनकर जा रहे हैं। अगर वो कप्तान बनकर जा रहे हैं तो रोहित शर्मा का क्या, क्या रोहित की सहमति है? क्योंकि अगेन मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि मुंबई इंडियंस के लिए अब तक जो एमवीपी कहते हैं ना, एवर, जहां से देखिए सचिन भी खेले, सब खेले, उनके लिए एमवीपी एवर रोहित शर्मा ही थे। लेकिन ऐसा ना हो कि रिश्तों में कोई खटास आ जाए, ऐसा ना हो कि ये एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप ऐसा हो जो डेट्रीमेंटल हो, तो यही आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जिस पर नजर रहेगी। क्योंकि मुंबई इंडियंस जानता है कि रोहित की अहमियत क्या है, रोहित शर्मा की लॉयल्टी क्या है, रोहित ने फ्रेंचाइजी के लिए क्या किया है। और मुंबई इंडियंस की ना एक मुंबई इंडियंस और एक चेन्नई सुपर किंग्स, इन दोनों फ्रेंचाइजीज की जो ताकत है हमेशा, जो खिलाड़ियों से भी आप बात करें, वो कहते हैं जी ये परिवार है, एक बार आप इस परिवार से जुड़ जाएं तो फिर ता उम्र वो साथ रहता है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुंबई के लिए कश्मकश होगी कि हार्दिक आ तो गए हैं, हार्दिक किस रोल में आए हैं, किस अवतार में आए हैं, क्या वो कप्तान आए हैं, और दूसरी बात अब रोहित शर्मा का रिएक्शन क्या। क्योंकि ये मैं नहीं सोच सकता कि मुंबई कल को ये सोच भी सकता है कि रोहित को अबैंडन कर दिया जाए, बिकॉज रोहित ने ना कप्तान के तौर पर, खिलाड़ी के तौर पर उस फ्रेंचाइजी के लिए बहुत कुछ किया है। तो ये है फिलहाल की कहानी। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं, ना सिर्फ ये ट्रांसफर विंडो में बल्कि और भी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक को, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाएं।